पर एक काम करते इसी से इंटरव्यू करते थोड़ा बिजनेस अनेदी वर्कआउट అవదు వర్కౌట్ అవదు అసలు ఎండగా ఉంటే ఎవరు తాగరు बहुत अच्छा न्यूज़ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। YouTube का जो माइलस्टोन है उसमें से एक और अचीवमेंट कर लिया मैंने आज। दोस्तों गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हां गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि अभी देखो टाइम हो चुका है 3:15 हो चुका है ऑलमोस्ट। तो बात ये है कि मैं यहाँ पर बैठ के अपना जो है मेरे दोस्त के दुकान में बैठ के यहाँ पर एडिटिंग कर रहा था अपना सुबह से लेकर बैठकर, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही वीडियो जो है एडिट किया, वो भी फुल वीडियो नहीं। सुबह से लेकर मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, आई मीन लाइक 3 से 3.5 घंटे सिर्फ एक रील बनाने में लग गया। बाकी और पूरा वीडियो भी जो है वो मेरे को बनाने के बहुत देरी है अभी, एंड मेरे को नहीं लगता आज मेरा वीडियो मैं डाल पाऊँगा कि नहीं मुझे भी पता नहीं है। बट हाँ मोस्टली ट्राई करूँगा आज रात को 12 बजे से पहले ही मैं उसको अपलोड कर दूँ एडिट करके, लेकिन इतना लेंदी वीडियो है ना मैं आपको बता नहीं सकता। ओके जैसे कि आप देख सकते हो, देखो मेरा बैग है यहाँ पर पैक कर दिया अभी, एंड मैंने अपना लंच बॉक्स भी लेकर आया था, यहाँ पर मैं बैठ के खा लिया था खाना। वैसे अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे को रास्ते में कुछ सामान लेना है, जैसे मीन कुछ सामान नहीं सिर्फ ये कि चिकन लेना है मेरे को, डूडल कीवी के लिए रात को डिनर बनाने के लिए चिकन नहीं है। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ जल्दी से जाके चिकन लेके, फिर वापस आके अपना बैग लेके फिर मैं अपने घर के लिए निकलूँगा। वैसे तो मैं यहाँ पर कार में आया था लेकिन मेरे पास टू व्हीलर नहीं था, क्योंकि बीसन रोड में अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है एंड कार पार्क करने के लिए जगह नहीं रहता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एम्प्लॉई के काम करते हैं तो उसी का बाइक लिया है, तो इस बाइक में अभी मैं जाऊँगा, इसको यहाँ लगा देता हूँ, इसको कार में रख दूँगा फिर एंड चलते हैं बाइक में। तो ये रहा अपनी कार, मैंने क्या किया अपना बैग जो इसके अंदर रख दिया है। तो एक बार एक काम करते इसी से इंटरव्यू करते थोड़ा। రాజుగారు ఇవాళ వాతావరణం చూస్తున్నారు ఎంత బ్రహ్మాండంగా కూల్గా ఉంది, ఇలాంటి వాతావరణం మీకు ఇష్టమా లేకపోతే మీకు హాట్గా సమ్మర్ ఉండదు ఇష్టమా? ఈ వాతావరణమే ఇష్టం నాకు. అంటే ఇలాంటి వాతావరణంలో మీరు డైలీ వ్యాపారం చేయగలుగుతారా? 4 టీలు ఎక్కి వెళ్తాయి. ఏ చాలా మంచిది ఇది. అంటే రోజుకి మామూలుగా ఎన్ని టీలు వెళ్తాయి? మామూలుగా అయితే ఒక 100-120 టీల దాకా వెళ్తాయి. ఇలాంటి వాతావరణం ఉంటే 200-300 వెళ్ళవచ్చు. ఓకే మంచిది. అంటే ఇలాంటి వాతావరణం ఉండాలన్నమాట, ఎండగా ఉంటే మనకి బిజినెస్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు. వర్కౌట్ అవ్వదు అసలు, ఎండగా ఉంటే ఎవరు తాగరు. మీ అభిప్రాయం ఏంటి మీ మార్కెట్ ప్రకారంగా? మా మార్కెట్ ప్రకారంగా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంకా తెలియదు. మరి కాబోయే రోజుల్లో మీ వ్యాపారం ఎలా ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు? మంచిగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు. ఏసీ ఛోటా సా బ్లాగ్ ఏసీ ఇంటర్వ్యూ కర్ లియా తా యే అప్నే అచ్చే భాయి హై లైక్ భాయి జైసే హై वेरी अच्छा आदमी है अपना। तो गाइज़ अभी जस्ट मैं ये बीसन रोड कर गया, चिकन का शॉप है तो यहाँ से चिकन ले लिया एंड अपन ये देखो अपना चिकन ये इधर इधर है। देखो लोग अच्छे से घूम रहे, मस्त मौसम अच्छा है ना तो काफ़ी लोग आ गए, वरना इस टाइम में ना इतने लोग तो होते भी नहीं है और बहुत कम होते हैं। ओके गाइज़ अभी मैं NTR कॉम्प्लेक्स, ये है NTR कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट में, यहाँ पर राजेंद्र कॉम्प्लेक्स करके अपने दोस्त का दुकान, इसके अंदर है मोबीटेक का, तो एक बार उसे मिलने चलते हैं। वैसे तो मेरे को फ़ोन के लिए एक कनेक्टर चाहिए था, वो कनेक्टर लेने के लिए आया था, यानी कि देखता हूँ मेरे फ़ोन के लिए कुछ नया केस मिलता तो लेता हूँ। ओके गाइस ये देखो जैसे ये मेरा माइक है, मैं क्या करता हूँ अपने फ़ोन को इधर लगा देता हूँ और उसके बाद इसको कनेक्ट करता हूँ, तो उससे क्या मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है डेली ये माइक लेके घूमने के लिए। फिर पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या हुआ था, मेरा ये वाला कनेक्टर एक है फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये लूज़ हो गया, डोंट नो क्या हो गया इसे, तो इसकी वजह से मेरा माइक बीच बीच में आवाज़ चले जा रहा है। तो ये लेने के लिए आया था तो मेरे को ये नया पीस मिल गया इधर। तो अभी माइक की बात ये है कि मैं बार बार ये माइक को यूज़ करने के लिए मैं स्टैंड यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये माइक को ऐसे अटैच करके रखना पड़ता है मेरे को कहीं ना कहीं, वरना के हवा में ऐसे लटकता रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा है तो ये ऐसे हवा में लटकता रहता है। फिलहाल मैंने क्या किया इसको इसके अंदर डाल के ज्वाइन करके रखा है ऐसे, अब सिर्फ माइक के लिए मेरे को स्टैंड लेके घूमना पड़ता है, तो इसलिए मैंने अभी कुछ नया केस ऐसा हो जैसे मैं ये माइक को पीछे से लगा के रख सकूँ, तो उसके लिए देख रहा हूँ अभी। ओके गाइज मेरे को अभी ये केस मिला है अभी जस्ट, तो अभी मैं क्या करूँगा इसको मैं आप लोग एक बार दिखाता हूँ। देखो जैसे ये वाला है ना फॉर एग्जांपल वही ये समझ लो, तो मैं क्या करता हूँ इसमें लगा के रखता हूँ, जनरली जो ट्राइपॉड है इसमें लगा के रखता हूँ, बट अभी क्या करूँगा मैं इसको इसमें ऐसे डाल के रख दूँगा। मैं ऐसे लगा के रख दूँगा तो मेरे को मेन यही चाहिए था, अभी इसमें से हिलेगा तो बहुत टाइट है, पूरा प्लास्टिक है, तो यही चीज़ का बहुत फ़ायदा है मेरे को, ये चीज़ बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, चाहिए 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 था, लकीली अभी मिल गया एंड थैंक्स टू अक्षय तेरे को इसी की वजह से मेरे को ये मिला है अभी। इसके पास पूरे यूनिक चीज़ें होते हैं, यहाँ पर आओगे ना मोबीटेक में तो आपको एक से एक यूनिक चीज़ें मिलेंगी। ओके मैंने अपना पुराना वाला केस जो है निकाल दिया है एंड लकीली अच्छा हुआ इसको, वैसे भी मैंने इसको एडजस्टमेंट किया था कार के, कुछ एडजस्टमेंट कर रहा था जस्ट बिकॉज कि मेरे को ये वाला होता है ना इसको फिट करना था उसमें,
तो जब मैं केस यूज़ करता था ना, अगर इसको लगाता था तो ये फिट ही नहीं होता था। ओके गाइज, अभी मेरा फ़ोन जो है पूरा हैंडी हो चुका है, वरना अभी तक मेरे को पूरा जो है उससे यूज़ करना पड़ता था, एक ट्राइपॉड लेकर आके कनेक्ट करके, उसके बाद माइक कनेक्ट करके। बहुत बड़ा प्रोसेस है यार ये सब, मैं आप लोगों को समझाना, लेकिन ऐसे ही कुछ था। बट अच्छा है, अभी ट्राइपॉड नहीं है, डायरेक्ट फ़ोन से ही ऐसे यूज़ कर पा रहा हूँ, वो भी माइक कनेक्ट करके। ओके गाइज, सो अभी मैं अपने कार के पास आ गया एंड मैं अभी यहाँ से निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। तो जल्दी से घर जाता हूँ एंड फिर बाकी का जो है मैं डूडल की वी को घुमा के फिर अपने एडिटिंग जो है वो काम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है जल्दी बनाना है, डालना भी है। आज मैंने व्लॉग डाला ही नहीं है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसके हिसाब से कल वाला व्लॉग, तो मैंने कल वाला व्लॉग जो अभी तक डाला नहीं है, तो मेरे को जल्दी से एडिटिंग करना है फिर डालना भी। ओ माय गॉड, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है इस बात को लेकर कि काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि जो व्लॉग भी है ना मेरा, वो उसमें कितने 168 क्लिप्स हैं। जनरली क्या, मैं पूरे दिन में रिकॉर्ड करता हूँ तो 50 क्लिप के आसपास होता है, लेकिन इस बार जो है 168 क्लिप्स हैं मेरे वीडियोज़ के, तो उसके चलते मुझे काफ़ी टाइम लगेगा एडिट करने में। आई थिंक मेरे को 5 घंटे लग जाएंगे। तो जो भी है, जल्दी से मेरे को बस फिनिश करना है, मेरा यही टारगेट है अभी। तो गाइस, अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ एंड टाइम हो चुका है देखो 8:40। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ जो मेरा नया घर है, वो नया घर के पास में एक डिनर का प्लान है, क्योंकि TDP पार्टी जीत गया है, तो सेलिब्रेशन के लिए जस्ट एक डिनर पार्टी है वहाँ पर। मतलब पूरे अपार्टमेंट में सब लोगों ने मिल के रखा है वहाँ पर, तो वहाँ पर चलते हैं अभी जस्ट डिनर करने के लिए। तो गाइस, दो बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड गुड न्यूज़ भी है एंड हैप्पी न्यूज़ भी है। तो दोनों बातें क्या है मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा। पहले मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, खाना खा लेता हूँ और वहाँ का सेलिब्रेशन हो जाए, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। बहुत अच्छा न्यूज़ है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो गाइस, जस्ट मैं अभी अपने यहाँ पर आ चुका है अपार्टमेंट के पास। बाप रे, कितने सारे लोगों को बुलाया है यहाँ पर, ओ माय गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। ये लो, अभी मैं जस्ट अंदर आया था, ये लोग बॉम्ब भी फोड़ रहे हैं। ओ माय गॉड, ये देखो, सेलिब्रेशन टू द नेक्स्ट लेवल। ओ माय गॉड गाइस, लेकिन ये सेलिब्रेशन से मैं एक गुड न्यूज़ देता हूँ। सबसे पहला गुड न्यूज़ ये है कि मैं अपना YouTube जर्नी जो है इतना अच्छे से गया है मेरा अभी तक, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि मैं फाइनली आप लोग को ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। ये पहला गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ये है कि मेरे YouTube का जो माइलस्टोन है उसमें से एक और अचीवमेंट कर लिया मैंने आज, एंड वो अचीवमेंट ये है कि मैंने 500 सब्सक्राइबर्स, मेरा ये एक माइलस्टोन मैंने क्रॉस कर लिया, एंड मेरे को इस बात का बहुत खुशी है। तो ये भी एक सेलिब्रेशन इसी बात पे। गाइज, अभी काफ़ी भूख लग रहा है एंड खाने का टाइम हो चुका है, तो वही यहाँ से देख रहा हूँ मैं खड़े होके, देखो कितने लोग हैं। बाप रे, धक्कम धक्काई चल रही है खाने को लेकर, समझ में नहीं आ रहा खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। बाप रे, देखो कितना भीड़ है। गाइज, अभी मौत का खेल खेलने जा रहा हूँ। बाप रे, खाना खाने के लिए आ गया हूँ मैं। बेस्ट ऑफ लक टू माई सेल्फ। तो गाइज, फाइनली अब मैं अपने घर आ चुका हूँ एंड मैं आप लोगों को जैसे बताया था कि दूसरा एक और गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके, द गुड न्यूज़ ये है, मैं कल से जो है अपना ब्लॉग जो है पूरा तेलुगु में बनाने वाला हूँ। मतलब मेरा पूरा कंटेंट जो है अभी से आएगा कौन से लैंग्वेज में, तेलुगु में। तो तेलुगु लैंग्वेज में मैं रिकॉर्ड करूँगा कल से पूरा। वो भी क्यों, मैं आप लोगों को इसके लिए भी एक रीज़न बता देता हूँ। मैंने क्या किया था, जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेरा माइलस्टोन जो है 500 सब्सक्राइबर्स का, मेरे को 4 महीने लग गए थे इतने में पहुँचने के लिए। बट मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब जब मैंने अभी तेलुगु में डालना स्टार्ट किया तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जा रहे हैं। ये भी क्यों, मैं आप लोगों को पूरा एक स्ट्रैटेजी है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्योंकि ये यूट्यूब है, यूट्यूब क्या करता है, मैं हिंदी में ब्लॉग्स बना रहा हूँ तो उसके चलते क्या है, एक जियोग्राफिकल फैक्टर्स होता है वो बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। मैं जैसे अभी आंध्र प्रदेश में हूँ, तो आंध्र प्रदेश में मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या है, तेलुगु ही है, मोस्ट ऑफ द नहीं है, लाइक 99% तेलुगु ही है, 1% है जो हिंदी में। तो इसके वजह से क्या होता है, मेरे ब्लॉग्स जो है रीच ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि सजेशंस पूरा यहाँ पर तेलुगु लोग ज़्यादा है तो कोई भी हिंदी प्रेफर ही नहीं करता है। जैसे मैं TDP ऑफिस में कल मेरा एक वीडियो बनाया था, मैंने कोई रील बनाया तो उसके चलते मेरे को रीच अच्छा आया। तो वही अगर मैं तेलुगु में बनाना स्टार्ट करूँगा तो मेरा रीच अच्छा जाएगा, और मेरे अभी 500 से माइलस्टोन जो नेक्स्ट मेरा माइलस्टोन है वो 1000 का है, 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से 1000 भी हो जाए और भी बढ़ जाए, सिर्फ 1000 ही नहीं 1000K हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसके लिए बहुत प्रे करता हूँ एंड बहुत लेवल हार्ड, मैं लेवल बेस्ट ट्राई करूँगा।
तो मैं अपना ब्लॉग जो है अभी कल से तेलुगु बनाना स्टार्ट करूंगा। एंड अपॉन दैट ये भी है, मेरे को काफ़ी लोगों ने यही सजेस्ट किया था मेरे को, लाइक जितने भी मेरे जान पहचान वाले जो भी हैं उन्होंने मेरे को बोला कि हिमांशु तेलुगु में ब्लॉग्स बना, क्योंकि हम भी देखेंगे तो हमको भी तेलुगु वाला ज़्यादा प्रेफरेंस है करके बता रहे थे। तो मैं वही सोच के अभी वो पॉइंट को लेकर मैं डिसाइड किया कि मैं कल से सारे ब्लॉग्स जो है अभी मैं तेलुगु में बनाऊंगा। ओके, एक और चीज़ बता देता हूँ, कल से इन द सेंस मैं 1 मंथ का टारगेट ले रहा हूँ। 1 मंथ में मेरा एनालिसिस मैं देखूंगा, मेरे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, मेरे को कैसे व्यूज़ आ रहे हैं या क्या हो रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में देखूंगा, पूरा एनालिसिस करूंगा अपना पूरा यूट्यूब चैनल का। अगर बहुत अच्छे से अगर मेरा तेलुगु में ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है तो मैं फिर तेलुगु कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो वापस मैं हिंदी में ही आऊँगा। तो यही मेरा सेकेंड गुड न्यूज़ है। तो इसी बात को दिमाग में रख के मैंने डिसाइड किया कि मैं कल से जो है अपने तेलुगु ब्लॉग्स बनाऊंगा। एंड अभी मैं घर आ गया हूँ तो काफ़ी थक भी गया हूँ, फुल पेट भर के मैं खाना दबा के वहाँ पर खा के आया, धक्कन धक्के तो बहुत हुआ, बट अपना घर वहाँ पर है तो अपने लोग वहाँ पर ने अपन को सपोर्ट किया, अच्छे से बोल दिया, अपन को अच्छे से प्लेट दे के जल्दी से खाना मिल गया, सर्व कर दिया हम लोग को। एंड मैं मस्त से खा के आ गया तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। तो अभी मैं थक गया हूँ तो मैं आज का ब्लॉग भी जो है यहीं एंड कर देता हूँ। ऐसे प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, नए दिन नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं।